नमस्कार, स्वागत है आपका आरएमसी मैथ्स की कॉन्सेप्ट सीरीज में। और आज है डे 19 और आज हम लोग सीआई और एसआई का बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। देखिए, बेसिकली फॉर्मूलाज तो आपको आते ही हैं। यू आर ऑल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि एसआई होता है आपका पे इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसी तरीके से अगर आपको सीआई निकालना है तो सीआई के लिए पहले आप अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट होता है पी 1 + r अपॉन 100 की पावर n। ओके, जिसमें n आपका टाइम पीरियड है। टाइम और टाइम पीरियड के बीच में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, आप इसका डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब आप सी आई निकालोगे, दैट इज गोइंग टू बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये तरीका होता है एस आई और सी आई निकालने का। अब क्वेश्चन में आपसे पूछता है द डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई। तो सी आई और एस आई का जो डिफरेंस होता है वो आप पहले क्या कर सकते हैं, एस आई निकालें, फिर आप सी आई निकालें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, विल गेट दी आंसर। या जो भी इक्वेशन फॉर्म होगी उसमें प्रिंसिपल निकालना हो तो आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। लेकिन देर इज वन शॉर्टकट ट्रिक ऑल्सो, और उसको एज अ फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन आर एम सी। ऐसा नहीं है कि वो शॉर्टकट ट्रिक है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और वो जो शॉर्टकट है, इट इज फॉर 2 ईयर्स। मैं 3 ईयर्स वाला भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से। लेकिन याद रखना, अगर 2 साल का टाइम दे रखा है आपको और तब आपको सी आई और एस आई का डिफरेंस निकालना है, तो उस डिफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है एंड दैट इज नथिंग बट पी, विच इज नथिंग बट प्रिंसिपल, रेट का होल स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है या ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आता है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। सपोज दिस इज द क्वेश्चन, आपको क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द सी आई एंड एस आई ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो ये 2 ईयर्स वाला है, तो यहाँ पर डिफरेंस का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, यही वाला पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। अब देखिए गिवन क्या क्या चीजें हैं आपको। आपको एक तो क्या दिया है, आपको दिया है रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, विच इज नथिंग बट 10%। टाइम इज ऑल्सो गिवन टू यू, कितना, 2 ईयर्स, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि टाइम 2 ईयर्स के लिए ही है। क्या आपको इस फॉर्मूले में कहीं पर टाइम दिख रहा है? यहां पर टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉर्मूला। हाँ, डिफरेंस दिया है मुझे, डी दिया है, दैट डिफरेंस इज 500। और आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड द सम। ठीक है, अब आप क्या करोगे, विल पुट द वैल्यूज। डिफरेंस इज गिवन टू यू 500 इज इक्वल टू पी, यू हैव टू फाइंड आउट आर की वैल्यू कितनी है, 10 स्क्वायर। ठीक है, 10% है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 100 स्क्वायर, का मतलब है 100 × 100। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल और प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 500 × 100। तो इट्स गोइंग टू बी 50,000 रुपीज। तो प्रिंसिपल इज गोइंग टू बी 50,000 रुपीज। तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन को किया जा सकता है। मैं एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा आपको, अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आया आर आई एम सी में, तो इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा, फिर आप अमाउंट निकालना, सी आई का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर सी आई निकालना और फिर आप सी आई और एस आई का डिफरेंस निकालना। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया देन यू कैन गो फॉर दिस मेथड। और अगर 10 नंबर का सवाल आया और टाइम बहुत कम बचा है तब भी आप इस तरीके को यूज़ कर सकते हो, बट ज़रूर मेंशन करना बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर लेना। तो आई होप कि आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।